ये आप उनका औकात है। Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? Never give up. Let's get it. Let's go. So hello everyone, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My name is Mohammad Fizanul and welcome back to another vlog. So aaj aapko bahut zyada Eid Mubarak ho. Ramzan aaya tha, pata bhi nahi chala, guzar bhi gaya, to aaj Eid hai mashallah se. So aapko bahut bahut zyada Eid Mubarak ho. Abhi subah ke koi 7 bajne hain aur 7 ya 7:15 ho rahe hain. To 15 minute baad hamari honi hai Eid ki namaz. सो कर उठ गया हूँ मैं, काफ़ी थका हूँ, रात को मैं सोया था कोई 5 या 6 बजे सोया हूँ, तो अभी 7 बजे हैं, काफ़ी नींद आई हुई है, तो अभी तैयार हो रहे हैं, मैं आपसे मुलाकात करते हैं। सो भी माशाल्लाह से आपका भाईजान हो चुका है बिल्कुल तैयार। सो वंस अगेन ईद मुबारक। अभी हम नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं ताकि लेट ना आए, सो आपसे वहाँ पर जाकर मुलाकात होती है। ओके जाने से पहले तकबीर होगी अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, चौथी तकबीर होगी अल्लाहु अकबर के अंदर जाएंगे। तमाम आदाब अपनी सबों को दूर कर ले, करने के साथ साथ मिला करके सभी को दूर करें, तहलील कर ले। So, अभी आपका भाई और आपके भाई का बड़ा भाई और हमारे पापा दोनों, हम तीनों नमाज पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह ईद की वापस आ चुके हैं। आकर हम सारे ईद में ले आपस में घर वाले, तो देन अब हम करने लगे हैं नाश्ता। नाश्ता हम ज़्यादा हैवी वाला नहीं करेंगे, थोड़ा सा हल्का फुल्का करेंगे, क्योंकि आगे हमें आगे भी किसी कहीं से दावत नाम आया हुआ है, तो हम नाश्ता करना है अभी के लिए जूझ फ्योनिया। तो नाश्ता करके हम जाएंगे, सो घर वालों का नहीं पता, मैं तो सो जाऊंगा रात को, क्योंकि 6 बजे सोया था, सुबह 7 बजे अगेन उठ गए। तो हम वहाँ पर जब जाने लगे थे मस्जिद के लिए, वहाँ के लिए हम लेट हो गए थे। हमने कहा हम यहाँ से निकले थे कोई 7:30 बजे, तो वहाँ पे जाके पता चला कि नमाज जो हो गई है 7:15 बजे की। दैन हमने कहा अब क्या करें, लोग हमारी नमाज तो नहीं छूट गई। दैन हम वहाँ से एक और मस्जिद जाने लगे, रस्ते में ना एक पार्क थी, आपने व्लॉग देखा होगा मॉर्निंग व्लॉग वाला बड़ी पार्क, वहाँ पे हम फिर वहाँ पे नमाज हो रही थी, हमने वहाँ पे पढ़ ली अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ अब बाप का भाई खाना खाने लगा, नाश्ता करने लगा ये वाला। सो अभी आपका भाई नाश्ता शाश्ता करके हो चुका है बिल्कुल फ्री, हल्का फुल्का भी नाश्ता किया, क्योंकि हमने आगे 10 बजे बेचारी की मक्खी तंग कर रही है, आगे 10 बजे कहीं पर नाश्ता करने जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ सोने, तो आपको एक सैड न्यूज़ सुना देता हूँ मैं। ये देखो उधर, ये बेचारी हमारी एक फिशी डाई हो चुकी है, वह दूसरी फिशी अब इसको तंग कर रही है, हिला रही है कि उठे, शायद ऐसी कर रही है मुझे लगता है उसको, देखो उसके पास जाके खेल रही है उसको। ओ नो, अब इसको हम थोड़ी देर बाद उठा के फेंक देंगे, बेचारी वो वैसे पलटियाँ ले रही है, ये देखो नमस ले। तो अभी आपका भाई जा रहा है सोने। सो वेलकम बैक एवरीवन, अभी मैं सो कर उठ चुका हूँ, अभी 11 बज रहे हैं, हमने नाश्ते पर जाना था 10 बजे, 10 बजे की डन होया हुआ था डील, 10 बजे पहुँच जाएंगे। ये पाकिस्तानी हुआ है, यहाँ पे उसको शादी पे 7 बजे जाने या को तो 8 बजे जाती है, इस वजह से नाश्ते भी 10 बजे बुलाया था, तो हम 11 बजे जा रहे हैं। अब हम जा रहे हैं, तो अब वहाँ पर पहुँच के आपसे मुलाकात होती है। ये आप उनका औकात है, इंसान को अपना औकात कभी नहीं भूलना चाहिए। अरे
पटम पहुंच चुके हैं, ये हमारी गाड़ी एंड वो हमारे बड़े पापा की गाड़ी है। फ्रेंड यहाँ से अब हम जा रहे हैं आगे उनके घर जाके उनसे अभी मिलते हैं। लेट्स गो। तो भी यहाँ पर कुछ लोगों ने ना गन्स वगैरह पकड़ी हुई थी छोटे होते छोटी ईद पे ये होता है बच्चे छोटे गन्स लेते हैं शर्ले वाली। हमने ही बचपन में काफ़ी ज़्यादा चलाई है, काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया हुआ है, लोगों को इंजर्ड भी काफ़ी किया हुआ, काफ़ी तंग किया हुआ है उस गन से। तो एक मरतबा की बात है मैंने गरीब पंप होता है ना वो लिया हुआ था, दैन मेरी मामा बैठी हुई थी बेड के ऊपर, मैं मजाक में जाके चैम्बर चढ़ा के मुझे नहीं पता था अंदर चल रहा था, मैंने जाके मामा के हैंड पे बाजू पे यहाँ पर रखी तो मैंने चला दिया, तो मैं वो शरला निकल के इतनी ज़ोर से लगा मैंने कहा शायद मैंने कहा अंदर नहीं होएगा, लेकिन लगा तो बाद में वो नील पड़ गया, मामा डोई भी हो रहा था। तो अब पहुँच गए हम उसके वादा खड़का के अंदर चलते या नाते साथ हम यहाँ पे सबसे पहले सारा से ईद मिले हैं और आते साथ अभी हम लेने जा रहे हैं नान जिस समान में मैं आपको समान में से बाहर जा कर मंगवाता हूँ। समझाना चाहिए ना, समझदार के लिए इशारा काफी होता है। फिर से गिर गया, नहीं 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 फिर से ठीक है, मैं खोलता हूँ। जॉइंट पावर शावर आ गया। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है वेदा पी? ईद मुबारक। खैर मुबारक। ओहो अभी हम जरा नान ले गए, सही है उस्मान भाई चला लोगे ना? हैं पिछली बारी 70 थी, 70 मुझे दे दिया, हम होंडा उस चला रहे हैं गलती ना हम। अभी नान हमारे रेडी हो चुके हैं, काफ़ी भारी नान है, सारे देखने में बड़े हल्के लगते हैं। अभी होंडा 125 के ऊपर हम वापस आ गए हैं। इन पाकिस्तान दिस बाइक इज़ नोन एज होंडा 125 नॉट होंडा 125, पीपल मोस्टली से होंडा 125। चलो अब होंडा 125 को अंदर करो। अब हम भी जा रहे हैं अंदर, दिस इज अनदर होंडा 125। तो बाहर सारे बड़े बैठे हुए हैं, बाहर जगह खत्म हो गई थी तो उन्होंने हम बच्चों को अंदर भेज दिया, चलो अंदर भाजो। अब ये भाई साहब, ये बहन साहब और ये वाले भाई साहब, साथ दो लड़कियां और हैं, उनका मैं फेस नहीं शो कराऊंगा, वो हम सारे अब अंदर बैठ के खाना खा रहे हैं। Never back down, never what? Never give up. Never back down, never what? आपसे ना हो पाएगा। अभी नाश्ता वगैरह करने के बाद हम सारों का प्लान बना कि हम किसी बड़े से गार्डन में चलते हैं, वहाँ पे फोटोशूट कराने। और इस लड़की ने पता है हमें कितना इंतजार करवाया, आप उसे बता दो आपकी तारीफ करता अच्छा नहीं लगूंगा। सिर्फ 5 मिनट। अल्लाह अकबर, 5 घंटे कहने चाहिए। अल्लाह माफ करे। चलो डेढ़ से ज्यादा आधा घंटा लगा होने। घंटा लगा है। 12 बजे हम ऊपर गए थे, 12 बजे ऊपर गए थे और अभी 1:15 बजे नीचे आ रहे हैं, 1.25 घंटा हो गया हमें। तो अब हम गाड़ी में जा रहे हैं, पार्क काफी दूर है, अच्छा पार्क है, इस वजह से हम वहाँ पे जा रहे हैं। तो भी यहाँ पर हम आए हैं अपना फोटोशूट कराने, वो पार्क में आपको दिखाता हूँ। ये देखो स्मैक्सी है ना, माशाल्लाह। ये देखो ये बच्ची क्या कह रही है, मेरा लेंस बिल्कुल टेढ़ा हो गया। फिर से को इतना बड़ा मुंह आ रहा है, पिछले भी लोग में इतना बड़ा मुंह आ रहा है, याद है जब भी आप तो नशे ही लग रहे हो। दिखाओ जरा, हाँ कुछ शॉपर है जो आज उठ के पार्क में आ गए है। बड़ा शॉपर, मैं तस्वीरें ले रहा हूं।
अभी यहाँ पे हम सारों का फ़ोटोशूट हो चुका है, वो लड़की देख रहे हैं, इसका मैंने इतना फ़ोटोशूट किया है तो इनका इतना फ़ोटोशूट किया है। अब यहाँ पे सारों का फ़ोटोशूट हो गया वंस अगेन। अब हम जा रहे हैं घर, यहाँ पे बड़ी गर्मी हुई है, इस वजह से मैंने कोई सरकारी अन्य वाली ऐनक लगाई हुई है धूप से बचने के लिए। तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं गाड़ी में बैठ कर घर। अभी यहाँ से नाश्ता आज का करके हम जा रहे हैं घर। अभी 3 बजे हैं, हमारी गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी हुई है यहाँ, तो अब घर चलते हैं। काफ़ी थकते हैं, मुझे नींद आ रही है काफ़ी। घर जाके सबसे पहले तो मैं नमाज पढ़ूंगा। ये मेरा छोटा सा फ्रेंड है जो मुझे मोहल्ले में अक्सर मिलता है, तो मैं उसको डर भी आता हूँ, ये हैंड उठा लेता है सलाम करने के लिए। आज ईद है तो मैं आपसे ईद में तो अभी आपके भाई ने अत्ते साथ नमाज पढ़ी है, नमाज पढ़ के मैं फ्री हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी जान नमाज के ऊपर बैठा हूँ ये देखो। तो अभी बाहर खाना लगना है थोड़ी देर बाद, देन खाना खा के हम सोएंगे, देन फिर उठ के आगे हमारा कोई मूड बना बाहर कोई सैर सूर करने जाने तो वहाँ पे चले जाएंगे। ओके, अभी खाना शाना खा के अगेन आपका भाई आ चुका है ब्लैंकेट में, सॉरी क्विल्ट में। अभी मैं नींद पूरी कर लूँ सकूँ से फिर आपसे उसके बात करता हूँ। ओके, सो मेरी जान के टोटो आज का हमारा व्लॉग बन चुका है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा हमारा फर्स्ट डे ऑफ ईद, काफ़ी मज़ा आया। होप कि आपने भी बहुत इन्जॉय किया होगा। भाई को दुआओं में रखना, याद रखना भाई को दुआओं में याद रखना। अब आप सबसे मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सो अल्लाह हाफिज़ फॉर नेक्स्ट व्लॉग।